बोल रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि हमें ग्रीन फॉरेस्ट को अपने अंदर ले लेना चाहिए है ये ना। और तभी हम देखते हैं वुड सेक्टर लीडर बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, और जो वुड सेक्टर वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। और तुमने ये तो सुना ही होगा जो कि ब्लैक मून, वो ब्लैक मून था जिसने कि मोरी वर्ल्ड पे कब्जा करने के लिए अपनी जो ईविल स्किल है उसे और ज़्यादा मॉडिफाई कर लिया, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गया। लेकिन वो तो शुक्र था कि जो कि हमारे पास दो पावरफुल योद्धा थे, ये और यान, और ये दोनों के वजह से जो कि हमने उस ब्लैक मून को मार डाला। लेकिन अब कौन कह सकता है कि ये दोनों के ताकत पे है और हम भरोसा कर सकते हैं। और ये सोच के कि जो कि ब्लैक मून जैसा और कोई ईविल इंसान और मूरी वर्ल्ड पे कब्जा करने के लिए आगे नहीं आएगा, इसीलिए जो हमें आगे की तैयारी खुद से करनी होगी और हमें सब कुछ निर्णय लेना होगा। और मैं उसकी बात करूँ तो जो कि लूडोरो का लीडर है डेमन किंग, अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो अभी तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान है, और उसके हाथ के नीचे से कितने ज़्यादा ही योद्धा यानी कितने ज़्यादा कल्टीवेटर निकले हुए हैं, और उसके हाथ की पावर काफ़ी ज़्यादा है। और जब वो उनके हाथ के नीचे पहुंच जाएंगे तो उनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। तभी ये देखते हुए चिन बोलता है तो तुम उनके हाथ के नीचे पहले जाने से पहले उन सबको साफ करना चाहते हो, यही बात है ना। ये देखते हुए जो वुड सेक्टर लीडर बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और हमें उन्हें सबसे पहले मारना होगा, और इसके लिए तुम्हारा एक डिसाइबल भी काफ़ी है। और वुड सेक्ट के जो डिसाइबल है, तुम्हारे डिसाइबल, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और वो इस काम को कर सकते हैं। और इसे मारने के बाद जो हिनान प्रांत है उसमें भी हमारा कहर बनेगा, और एक साथ तुम्हारा दो दो काम होगा। और तभी हम देखते हैं चुन को जो कि चाय पीता है और सांस लेते हुए बोलता है कि ठीक है, लेकिन वेल मेहरों को भी इसमें एक शर्त है। और तभी हम देखते हैं उगला सकते हैं बोलता है कि ठीक है, जो इस मैटर को मैं खुद संभालूंगा और ये मैं खुद करूंगा। तभी ये देखते हुए जो लीडर रहते हैं बोलते हैं कि एक बेटा के तुम ऐसे कैसे कर रहे हो। तभी वो बोलता है कि क्यों, मैं ये क्यों नहीं कर सकता, और वैसे भी मैं इस जगह पे रह के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ, और मैंने कई सारे चीज़ें देखी, कई सारे मंत्र देखे, और मैंने कई सारे भविष्य भी देखे। लेकिन जब मैं अपने भविष्य की बात करूँ, अपने फॉर्चून की बात करूँ, तो मैं उसे नहीं देख पाया, ऐसे जैसे कि ये काफ़ी ज़्यादा बेकार हो और काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो, और मैं उस चीज़ को कभी भी नहीं देख पाया। और मेरे लाइफ में कभी भी ऊँची नीची नहीं होगी, तो मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलेगा, इसीलिए मेरे को बाहर जाना होगा, और एक वजह वो भी है। और तभी हम देखते हैं एक उसके हाथ में एक बूट जैसा कुछ रहता है, और तभी वो बोलता है कि हाँ ये मुझे पता है, ये वही तरीकी है, वही अपॉर्चुनिटी है द डिवाइन टीचर बनने की। चुन अपने मन में सोच रहा होता है कि सच में एक जो कि जो से गुंडे जो कि आगे से आ गए हैं, और एक अफवाह की वो डीमन किंग का एक स्टूडेंट है जो कि तलवारबाज में सबसे ज़्यादा अलग है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और मैं उसकी ऊर्जा की बात करूँ तो मैं वुड सेक्ट के एक डिसाइबल के साथ उसे मिला हूँ तो भी उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है। और मैं एक तरीके से बात करूँ तो अगर मैं उसे वुड सेक्ट में लेके सिखाऊँ तो वो काफ़ी ज़्यादा आगे बड़ा तलवारबाज बन सकता है, नहीं वो सुप्रीम द सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर भी बन सकता है आगे जाके, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। और मेरे को लगता है कि अगर मैं उसे वुड सेक में ले आया तो हमारा वुड सेक एक नई ऊंचाइयों पे चला जाएगा। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं द फाइव माउंटेन पिक की, और तभी हम देखते हैं उधर काम चल रहा होता है, लोग बिल्डिंगें बना रहे होते हैं, और तभी एक बंदा बोलता है कि जो फाइनली हाउस बन चुका है। तभी ये देखते हुए जो कि लीडर बोलता है कि अच्छा तो ठीक है ये बन चुका है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और तभी हम देखते हैं उन्होंने एक हाउस बनाया होता है, और बताया जाता है कि जो कि इनकी ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ने लगी, इन्होंने नए नए हाउस का निर्माण किया, और इन्हें फिल करने के लिए इन्होंने नए नए मेम्बर को ऐड करना चालू कर दिया जिनके कारण। और तभी हम देखते हैं उन लोग के बीच में कुछ बच्चे बोल रहे होते हैं ओ ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, मेरे को पास से देखना है, दूसरी बोलती है कि मेरे को भी देखना है, और वो कि हिंगलिंग के आगे से निकलते हैं। और हम देखते हैं सेकेंड ब्रदर उसे आते हुए बोलता है कि ओ लीडर आप इतने ज़्यादा भावुक क्यों हो रहे हो। तभी ये देखते हुए बोलता है कि ओ ये बच्चों को देखते हुए मेरा जो कि पिछला भविष्य है मेरे को वो दिखने लगा है।
तभी ये देखते हुए बोलता है कि आप पास्ट, तभी दूसरा बोलता है कि हाँ मेरा पास्ट, और तभी हम देखते हैं उसकी नज़र किसी और पे जाती है, और ये तीसरा ब्रदर रहता है जो दौड़ते हुए आया होता है, और तभी ये देखते हुए सेकंड ब्रदर बोलता है कि एक मिनट आखिर तुम इतना तेज़ी से भागते हुए क्यों आए हो, तभी ये देखते हुए बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि जो ही MC है वो उन दोनों लड़कियों को अपनी स्किल सिखा रहा है, मास्टर मार्शल आर्ट स्किल, इसलिए मुझे सीखना है, और उनको मैंने बोला था कि मेरे लिए वेट करना, और क्या उन लोग इधर से चले जा चुके हैं। तभी ये देखते हुए जो कि सेकंड ब्रदर रहता है बोलता है कि वो तुमने लगता है कि आने में देरी कर दी, और वो बस अभी थोड़ी देर पहले ही जंगलों की ओर गए हैं। तभी देखते हुए बोलता है कि क्या वो मेरे को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं, तभी जो सेकंड ब्रदर रहता है बोलता है कि चलो जल्दी करो, और तभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में उनसे बोलना होता है कि तुम्हें सबसे पहले अपने जो सांस लेने की टेक्निक है उससे ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है। तो चलो ठीक है, सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर छोड़ दो, और जो कि अपने सांस है वो धीरे धीरे लेना चालू करो। नाइन हेवन शॉर्ट मार्टर टेक्निक है, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए तुम्हें अपनी जो सांस लेने की टेक्निक है इसे और ज़्यादा ही मास्टर करना होगा, और एकदम इसे सीरियस तरीके से करना, और इसी में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, और तुम जो सांस लोगे उसमें तुम्हारी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दुगनी होनी चाहिए, और तभी तुम्हारे साथ ये रिकवर होगा। और तभी हम देखते हैं वो रोने लगती है, बोलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, तभी देखते बोलता है क्या, और तभी बोलते हैं कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तभी ये देखते हुए जो कि MC बोलता है कि आखिर तुम क्या बोल रही हो, आखिर तुम इसे 10 साल तक रेगुलर करोगे तो ये तुम सीख सकती हो, तभी वो बोलती है कि हाँ ये कहना तो तुम्हारे लिए ही चाहिए। तभी ये देखते हुए बोलता है कि हाँ और मेरी बात सुनो, बस अपनी आँखा बंद करके अपने आप को फील करो, और ये काफ़ी ज़्यादा आसान है तो जल्दी करो, और तभी बोलते हैं कि ठीक है, और ठीक है फिर अपनी आँखें बंद करो। तभी हम देखते हैं उन लोग आँखें बंद कर लेते हैं, और तभी वो बोलता है कि ठीक है अब धीरे से सांस लेना चालू करो, और तभी हम देखते हैं कि वो लोग चालू हो जाते हैं थोड़ी देर बाद, जबकि मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोलता है तो वो देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर से जो कि एनर्जी है वो निकल रही होती है। उसे बोलता है कि इन्होंने जो केंद्र है वो एकदम सही लगा के रखा है, उनकी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी चल रही हो, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं दूसरों को ट्रेनिंग करते देख रहा हूँ, ये फीलिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और ये फीलिंग काफ़ी ज़्यादा अलग है। तभी हम देखते हैं वो भी अपने इनर डोमेन में जाने लगता है, और उधर शाम हो जाती है, जिसे देख के वो बोलती है कि MC आखिर क्या ये ठीक किया हमने, और तभी वो आँखें खोलती है तो वो शोक होती है, तभी दूसरी भी बोलती है आखिर क्या हुआ, और तभी वो येलो हेयर वाली को बोलती है कि अभी तुम चुप रहो और सामने देखो, और तभी हम देखते हैं उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है, और वो एनर्जी को एक जगह केंद्रित करके उसे ऑब्जॉर्ब कर रहा होता है MC, और MC जो कि अपने इनर डोमेन में पैर रखता है, और वो अपने शॉर्ट के साथ इनर डोमेन में एंटर कर जाता है। तभी हम देखते हैं वो शॉर्ट चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने इनर डोमेन में, और वो कई ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है, स्लेस पे स्लेस चला रहा होता है, और तभी बोलता है नहीं ये वो नहीं है जो कि मैंने सीखा था, आखिर क्या हो रहा है मैं उससे वापस इसे यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब बेकार है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। और तभी बोलता है कूल डाउन में वो अपने दिमाग को एकदम शांत रखने की ज़रूरत है, और मेरे को सोचना होगा कि होगा कि आखिर मैंने उस वक्त क्या किया था। और तभी हम देखते हैं जो कि वो तलवारबाज कर रहा होता है, उसके सामने उसकी वापस से वही पिक आ जाती है जिसने उसे ट्रेनिंग दिया था, और तभी बोलता है कि तुम, और तभी वो बोलता है कि ठीक है चलो रेडी हो जाओ, और वापस से वो एकदम सेम स्टेप करने लगते हैं, और वे इस स्टेप को देखते हुए बोलता है कि ओ मैं ऐसा कर रहा हूँ जैसे कि वो मेरा दूसरा रूप है, और ये इसके लिए स्किल वैसे ही चल रही है, और वो जो धीरे धीरे अलग पार्ट हुए थे उन पार्टों को एक साथ जोड़ रही है, और तभी ये देख के शोक रहते हैं उन बाकी सब दोनों लड़कियाँ, क्योंकि उसके जो कि ऊपर से फाइव लोटस निकल रहे होते हैं, और ये लोटस धीरे धीरे और ज़्यादा विकसित हो जाते हैं और ज़्यादा फूल जाते हैं, जिसे देख के उन लोग शोक रहते हैं, और उनके अंदर से भी एनर्जी निकलने चालू हो जाती है, और जिस एनर्जी को वो अपने अंदर खींच लेता है, जिसे देख के वो लड़की और शोक हो जाती है, और जिसे देख के वो MC बोलता है क्या आखिर क्या गलत हुआ, तुम मेरे फ्रेंड्स को ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी वो भागते हुए आते हुए बोलते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तुमने इसे कैसे किया, क्या हम भी इसे कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था, क्या हम ऐसे ट्रेनिंग करें तो क्या हम ऐसे ही इसे यूज कर सकते हैं।
तभी वो बोलता है कि आखिर तुम कैसे बात कर रहे हो, और वैसे भी जो तुम्हें अपने सांस लेने की ट्रेनिंग है उस पर जोर देना होगा, और तुम लोग चीज़ की प्रैक्टिस करना, और जो कि अपने सांस लेने की टेक्निक है इसे मास्टर करना, और तभी तुम आगे कुछ सीख सकती हो। और तभी हम देखते हैं उन लोग हाँ बोलते हैं, और तभी नेक्स्ट सीन हम देखते हैं उन लोग जो कि अपने द 5 पिक स्ट्रॉन्ग वॉल पे पहुँच गए होते हैं, और तभी वो लड़की देखती है कि उधर हिंगलिंग खड़ा होता है, और तभी हम देखते हैं एमसी बोलता है कि ओ हम वापस आ गए हिंगलिंग, आखिर इधर क्या गलत है, और तभी वो देखता है कि उधर कोई नहीं रहता, और तभी एमसी बोलता है कि आखिर इधर कोई क्यों नहीं है। तभी ये देखते हुए जो हिंगलिंग रहता है बोलता है कि वो इधर क्यों नहीं है मैं बताऊँ, क्योंकि जो चुनजी है वो हम पे अटैक करने वाला है। तभी हम देखते हैं उधर उन लोग एक ग्रुप मीटिंग बुलाते हैं जहाँ पे यही बात चल रही होती है कि हमें भाग जाना चाहिए, और वैसे भी ये चुनजी आने वाले हैं, और तभी उन लोग लीडर से पूछते हैं लीडर आखिर हमें क्या करने की ज़रूरत है। तभी बोलता है कि आखिर क्या किया जाए, क्या तुम्हारे पास तुम सबके पास कोई आइडिया है कि नहीं। और तभी हम देखते हैं एक ब्रदर जो बोलता है कि हम चुनजी से फाइट कभी नहीं कर सकते, वो एक मॉन्स्टर है, आखिर हम उनसे फाइट कैसे करें, अगर ऐसा होगा कि हम इधर से पहले ही भाग जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और तभी यिंगलिंग काफ़ी उदास हो जाता है, और तभी बोलता है कि ठीक है तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो तुम बताओ मुझे, और कोई अच्छा आइडिया। तभी ये देखते हुए हंसते हुए बोलता है कि हो तुम बेवकूफ़, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे हरा सकते हो, वो चुनजी है और तुम उसे कभी भी नहीं हरा सकते। तभी ये देखते हुए वो दूसरे सेकंड ब्रदर बोलता है कि अच्छा तो आखिर हमें क्या करने की ज़रूरत है। तभी वो बोलता है बेवकूफ़ तुम चुप करो, आखिर तुम्हें पता नहीं जब चुनजी ने इसके ऊपर अटैक करने के बारे में सोच लिया था तभी तो वो 5 माउंटेन पीक तबाह हो गया था, यानी नष्ट हो गया था, और उसकी मॉन्स्टर जैसी ताकत, और वो वुडसेट का एक एल्डर है, और वो भी एल्डर में सबसे ज़्यादा पावरफुल एल्डर है, और उसके स्टूडेंट ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और उनकी पावर की ग्रोथ लगाना भी यानी उनकी पावर को नापना भी एक पागलपंती सी होगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम चुनजी का सामना कर सकते हो, चुनजी और वो भी एक मॉन्स्टर का, तुम उस मॉन्स्टर का कभी भी सामना नहीं कर सकते। और तभी हम देखते हैं वो सब बात करने लगते हैं, तो हम उसका सामना नहीं कर सकते तो हमें रन करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, अगर हम रन भी करेंगे क्या हम बच सकते हैं। दूसरा बोलता है कि आखिर हम कब तक रन करेंगे, और दूसरा बोलता है कि चलो जब तक रन होता करते रहो। और तभी हम देखते हैं जो हिंगलिंग रहता है अपने सिंहासन पे एक हाथ मारता है, तभी बोलता है कि ठीक है एमसी क्या तुम्हें कोई रास्ता पता है, और तभी हम देखते हैं कि सब लोग एमसी की तरफ देखने लगते हैं, और एमसी जो कि बोलता है कि हो मेरे पास एक सही रास्ता है, और तभी हम देखते हैं सब चुप हो जाते हैं। और तभी देखते हुए वो वाइट है वाला बुड्ढा बोलता है कि आखिर तुम किस जैसी बेवकूफ़ जैसी बात कर रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है तुम चुनजी को कभी भी नहीं हरा सकते, इसलिए मैं जा रहा हूँ और मुझे अपने मौत का वेट नहीं करना, इसलिए तुम भी इधर से फटाफट निकल जाओ। और तभी हम देखते हैं वो सब आपस में देखने लगते हैं, और वो बोलने लगते हैं कि हाँ जल्दी करो इधर से चुनजी आने वाले हैं, तो हमें भागने की ज़रूरत है, और जब तक भागेंगे अपने प्राण को लेकर भागते रहेंगे, और हमें इधर से भागने की ज़रूरत है। और तभी हम देखते हैं एक ब्रदर जो कि एक दूसरे ब्रदर को बोल रहा होता है कि जल्दी करो, अब तुम इधर क्यों रुके हुए हो, तुम्हें भी इधर से निकलने की ज़रूरत है ना। और तभी हम देखते हैं ये वही बंदा रहता है जिसने कि एमसी के साथ रैंकिंग की फाइट की होती है, और तभी हम देखते हैं वो उसे पीछे वाइट हेयर लड़की को देखते हुए बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। और तभी देखते बोलता है क्या तुम पागल हो जैसी बात कर रहे हो, कि तुम क्या एक लड़की के चक्कर में अपनी जान खतरे में डालोगे। तभी बोलता है कि नहीं ये लड़की के चक्कर में नहीं है, और तुम मेरा बुरा मत मानना, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तभी बोलता है कि तुम बेवकूफ़ माफ़ी की मांग रहे हो, अब तुम इधर मरो बेवकूफ़, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने ये रास्ता गलत ही चुन लिया। और तभी देखते हैं वो सब उधर से चले जाते हैं, तभी हम देखते हैं कि बस उधर 10 ही लोग बचे होते हैं, और बाकी सब जो कि उधर से चले गए होते हैं चुनजी के डर के कारण। और तभी हम देखते हैं कि जो हिंगलिंग रहता है वो बोलता है कि ओ तुम सबका शुक्रिया इधर रुकने के लिए, और तभी वो फिर सोचता है कि नहीं मैं इधर से नहीं जा सकता क्योंकि मेरे को इधर की रह के इन लोगों की सर्वाइव में मदद करनी होगी, और वैसे भी इधर कई सारे नए हाउस और नए मेम्बर भी आए हैं, मेरे को उनकी प्रोटेक्शन करनी होगी और उन सबको बचाना होगा। और तभी वो काफ़ी गुस्से में रहता है, और तभी हम देखते हैं एक तेज़ी से हवा चलती है,
और एक पत्ते जो उड़ के आता है और जो कि हमारे जियाओ एमसी के हाथ में गिरता है और एमसी उसे पकड़ लेता है अपनी मुट्ठी से। और तभी वो बोलता है कि क्या मैंने सुना है कि जो चंजी रहता है वो अपने एक पत्ते से एक बड़े से पर्वत को भी काट सकता है। ये देखते हुए जो कि एंगलिंग ने बोलता है कि हाँ तुमने सही सुना है और ये सब सब सही है। तभी ये देखते हुए बोलता है कि वो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं लगता मुझे, क्या मैं इसके साथ फाइट करके इसको हरा सकता हूँ। तभी ये देख के सब सूख रहते हैं और तभी एंगलिंग बोलता है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, तुम जानते हो किसके बारे में बात कर रहे हो। मैंने सोचता हाँ आखिर ये जियाओ की बात है तो वो उसे टक्कर दे सकता है, आखिर कैसा होगा कि हम एक साथ उस पर हमला करें, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रिक्सी होगा। और वो उसी विक्ट्री के बाद को सोचने लगता है कि उसने बोला था द माउंटेन स्ट्रॉन्ग पिक जो कि अब ख़त्म हो चुका है क्योंकि चुनजी की नज़र उसके ऊपर पड़ चुकी है। और तभी बोलता है लेकिन, और तभी हम देखते हैं वो सपना देखने लगता है कि चुनजी जो कि मेन करेक्टर है कोयामनी एमसी जियाओ के देख के उसे किल कर देता है, मार देता है। तभी ये देखते हुए बोलता है कि नहीं ये काफ़ी ज़्यादा रिक्सी है और इसमें उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन मेरे को ये रिक्स लेना होगा और ये जुआ मैं तो खेलना नहीं चाहता, लेकिन शायद ये जुआ मुझे खेलना ही होगा या फिर नहीं। और तभी खड़ा होते हुए बोलता है हम 5 साल पहले मिले थे और हमने जो कि काफ़ी नए नए चीज़ों को फील किया और नए नए चीज़ों को जीता और हमने काफ़ी ज़्यादा ही एडवेंचर किया और काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए, हमने काफ़ी ज़्यादा मेम्बर्स को इकट्ठा भी किया और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अब ये शायद से उतना अच्छा नहीं है, शायद से अभी हमें अलग होना होगा। तभी ये देखते हुए सब उसको दिलासा देते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो और तुम चिंता मत करो हम उस चुनची से हारेंगे नहीं, हम उनसे जीत सकते हैं। और बाकी सब बोले होते हैं हाँ अगर ये जियाओ की बात है तो शायद से वो उसे हरा भी दे चुनची को। और तभी बोलता है नहीं, और तभी उन्हें सोचता है सच में और मैं जानता हूँ अगर जियाओ उसे फाइट भी करने दें तो जियाओ उसे हरा नहीं सकता क्योंकि हम इधर बात कर रहे हैं टॉप 10 सेक्ट में से एक और वुड सेक्ट की और उसमें से सबसे पावरफुल एल्डर, और मेरे को नहीं लगता कि जियाओ उसे हरा सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक जुआ है जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। और ऐसा जुआ लगता है कि मैं कभी भी नहीं खेल पाऊँगा और मैं उसकी पावर चुनजी की पावर को भूल नहीं सकता। और तभी वो बोलता है कि नहीं अभी ये काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और लगता है कि अभी हमें इधर से अलग ही होना होगा। और तभी नेक्स्ट में हम देखते हैं वो पहाड़ जो कि वुड के ओवल पे खड़ा रहता है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं, उनमें सोचता है सच में यार आखिर ये सब ख़त्म ही हो गया। और तभी हम देखते हैं वो टूट जाती है और वो बॉल उसके ऊपर गिरने वाली होती है कि हमें काफ़ी धूल दिखाई जाती है और कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, तुम तो अलग ही होने की बात कर रहे हो और तुम तो अपनी प्रोटेक्शन भी खुद से नहीं कर सकते और तुम्हें क्या लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा आलसी ही जा रहे हो। और तभी वो बोलते हैं एंगलिंग क्या, और तभी हम देखते हैं सेकेंड ब्रदर अर्थात फोर्थ ट्राइब उधरी रहते हैं और बाकी सब उधरी रहते हैं। और तभी ये देखते हुए बोलता है कि और तभी हम देखते हैं जियाओ काफ़ी सारे वुड को रोक के रखा होता है। तभी वो बोलता है लीडर क्या तुम सही हो, तभी वो बोलता है कि तुम सब, और तभी उन लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर तुम कैसी बात कर रहे हो और हमने कसम खाई थी कि जिएंगे मरेंगे एक साथ और वैसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि चुनजी कितना भी पावरफुल हो और हम एक साथ ही मरेंगे जिएंगे और हम उनसे फाइट करेंगे और वैसे भी क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ चोट तो नहीं लगी, और लीडर क्या तुम सही हो, और चलो अब तुम खड़े भी हो जाओ, तुमने अभी तक कुछ खाना भी नहीं खाया है, तुम्हें कुछ खाना भी खा लेना चाहिए। और तभी वो बोलता है तुम सब काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, और वो खड़ा हो जाता है। तभी नेक्स्ट में हम देखते हैं कि वो वॉल बना के उस वॉल को खड़ा भी कर देते हैं काफ़ी फास्टली। तभी हम देखते हैं कि उन लोग ने आग जलाई होती है और एक जगह पे बैठे होते हैं। तभी वो बोलता है कि सेकंड ब्रदर वो तो शुक्र था कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस पड़े थे जिसके कारण हमने वॉल काफ़ी जल्दी खड़ी कर दी। तभी देखते हैं जो कि तीसरा ब्रदर रहता है वो बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और अभी हमें अपने शरीर को आराम देना चाहिए। और तभी हिंगलिंग बोलता है ठीक है हम जो नाइट को 12 बारी जो कि पहरा देंगे और वैसे भी चुनजी कल आने वाला है लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कि वो अचानक से हमला कर दे। तभी उन लोग बोलते हैं कि ठीक है लीडर, और तभी वो बता रहे होते हैं कि जो कि सेकेंड ब्रदर जो कि पहले एक पुजारी था और सेकेंड थर्ड ब्रदर जो कि पहले चोर थे और जो कि 5-6 ब्रदर
जो कि पहले किसान थे, और वो उनको ऐसी फैमिली मिली और वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेम्बर ना होने के बावजूद ये मेरे ऊपर कितना ज़्यादा विश्वास करते हैं और मेरे को ये विश्वास कायम रखना होगा। और तभी वो बोलता है, सच में मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ ना। तभी ये देखते हुए बोलता है कि ओह क्या तुम्हें अभी ये फील हो रहा है। और तभी हम देखते हैं जो मीनू रहती है वो बोलती है कि लीडर, और जब हमने कसम खाई ली है कि साथ रहने की और साथ मरने की, तो हमें लगता है कि हम तीनों को भी आपको अपनी फैमिली में ज्वाइन करवा लेना चाहिए। ये सही है ना, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे। तभी वो लोग भी बोलते हैं हाँ ये सब सही है। तभी ये देखते हुए हैंगलिंग बोलता है कि ओ अगर ऐसी बात है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें अपनी फैमिली में लेने के लिए, क्यों ब्रदर्स आपको कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि ब्रदर्स रहते हैं उनके। और वो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं और ये हमारी फैमिली में आ सकते हैं। तभी हम देखते हैं रैम को जो कि आठवें ब्रदर की पोजीशन मिलती है, और मीनू को जो कि नौवें सिस्टर की, और जो सू रहती है उसे दसवें की, और मैंने इनके नाम चेंज किए हुए हैं। और तभी हम देखते हैं उन लोग काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं और ये एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और तभी हम देखते हैं एंगलिंग को जो बोलना होता है, ओ चलो ठीक है अब तुम सभी हमारी फैमिली के सदस्य बन चुके हो ऑफिसर तौर पर। और तभी हम देखते हैं जियाओ को जो काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है, और वो अपनी जो कि फॉर्मेलिटी है उसे चालू कर देते हैं। उनकी फॉर्मेलिटी भी काफ़ी अच्छी है और ये पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इनके दिमाग में वो सब कुछ है जो इन्हें इम्पोर्टेंस देती है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब सो रहे होते हैं, और तभी हम देखते हैं ग्रेट फॉर्चून को जो कि चुनजी अपने हाथ में पकड़ के अपने आर्मियों के साथ जा रहा होता है, और वो बोलता है कि तो अब यही वक्त है अटैक करने का। तो देखते हैं अंदर फाइव माउंटेन पीक की तरफ जहाँ की सब सो रहे होते हैं, और तभी जाओ उन सब के बीच में उठ के बाहर जाता है। और तभी वो अपनी तलवार निकाल देता है, और फिर वो अपनी तलवार निकालते ही मन में सोचता है कि सही बोलूँ तो मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा चिंता में था कि मैं चुनजी को हरा सकता हूँ कि नहीं, और मेरे को लगता है कि मेरे को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्या मैं चुनजी को हरा सकता हूँ? नहीं, मुझे उसे हराना होगा, क्योंकि अगर मैं उसे नहीं हराया तो हम एक साथ नहीं रह सकते। और तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक ब्लैक शैडो रहती है जिसे वो नोटिस कर लेता है, बोलता है कि आखिर तुम कौन हो मेरे पीछे। और तभी हम देखते हैं वो देख के हैरान रहता है, बोलता है क्या। और तभी हम देखते हैं ये हिंगलिंग रहता है जो बोलता है कि जियाओ आखिर तुम क्या कर रहे हो, ये मैं हूँ काम डाउन। और तभी हम देखते हैं वो बोलता है कि ओ लीडर आप इधर, क्या आप इधर पहरेदारी कर रहे हो। तभी हैंगलिंग बोलता है हाँ ऑफकोर्स, और वैसे भी मैं सबको सोने देना चाहता था पहले, और क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही, क्या तुम उसे सोना नहीं चाहते। तभी बोलता है नहीं मुझे नींद नहीं आ रही और मैं नहीं सोना चाहता। तभी हम देखते हैं वो कुछ नोटिस करता है, अपनी तलवार निकालता है। तभी देखते हुए हैंगलिंग बोलता है कि नहीं मेरे को नहीं सोना, वैसे भी मैं इतना ज़्यादा थका हुआ नहीं हूँ। और वो एक अटैक कर देता है जिसे हम देखते हैं जियाओ ब्लॉक कर देता है। और तभी ये देखते हुए हैंगलिंग बोलता है ओ चलो क्या एक वॉर करना सही होगा। तभी ये देखते हुए जो कि जियाओ थोड़ी टेंशन में आते आया होता है, तभी वो स्माइल करते हुए बोलता है हाँ क्यों नहीं। और तभी हम देखते हैं हम लोग फाइट करना चालू कर देते हैं, और तभी हम देखते हैं हम लोग फाइट कर ही रहे होते हैं कि जो कि हैंगलिंग रहता है वो बोलता है मुझे माफ़ करना। तभी ये देखते हुए बोलता है कि क्या हाँ कि तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तभी वो बोलता है कि ओ मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं हमेशा तुम पे ही डिपेंड रहता हूँ इसके लिए। तभी ये देखते हुए बोलता है कम ऑन यार, और इसे भी हम एक फैमिली है। और तभी हम देखते हैं एक आवाज़ आती है जैसे कि वो बोलते हैं कि सुनो फाइव माउंटेन पिंक को ले और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, और उन लोग फाइट रोक देते हैं। और तभी हम देखते हैं कई सारे सैनिक के पेड़ चल रहे होते हैं, और हैंगलिंग ये देख के बोलता है क्या उन लोग इतनी जल्दी आ गए। और तभी चुनजी को देखते हैं, चुनजी के सामने जो कि वो रहता है उसका स्टूडेंट, वो बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं मर्चेंट यूनियन का लीडर हूँ और अपने आप को सरेंडर कर दो वरना हमें बेफालतू का खून की नदियाँ बहानी पड़ेगी। तभी ये देखते हुए वो हैंगलिंग मन में सोचता है कि मेरे को लगता है कि मेरे को आगे जाना चाहिए, और जो कि वो जियाओ को थोड़ा रेस्ट करना होगा। और तभी ये देखते हुए वो बोलता है कि लीडर, और तभी हम देखते हैं जो कि वो रहता है हैंगलिंग बोलता है कि हो मैं लीडर हूँ इसीलिए लगता है मुझे सबसे पहले जाके एक एंट्री करनी चाहिए। और तभी बोलता है कि वो इधर काफ़ी ज़्यादा ही सैनिक आए हुए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बस हमें किल करने हैं। तभी ये देखते हुए वो लीडर बोलता है कि ओ क्या तुम ही हो इस बेंटेड यूनियन के लीडर। तभी ये लिखते बोलता है फक यू बास्टर्ड, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने सारे सैनिकों को ला सकते हो, और मैंने सही सुना ना कि तुम
हमसे डर के, जो कि वुड्स एक्ट में भीख मांगने चले गए और उधर से ग्रेट चुनजी को लेके इधर आ गए। तुम बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगता है कि ग्रेट चुनजी उस बुड्ढे से हम डरने वाले हैं? तुम बुड्ढे को ला के आ गए तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारा कुछ भी उखाड़ सकते हो? तभी ये देखते हुए वो मर्चेंट यूनियन का लीडर शर्मा आते हुए बोलता है यू बास्टर्ड, और तभी बोलता है कि फक यू, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हमें मार सकते हो? और वैसे भी क्या वो चुनजी जरा सा भी स्ट्रॉन्ग है क्या? है वो मैं हरा भी सकता है क्या? उसके अंदर इतनी पावर भी है? और तभी हम देखते हैं जो जिया रहता है काफ़ी स्माइल कर रहा होता है। तभी उधर से चुनजी जाते हुए बोलते हैं कि तुम भी इन बातों पे ध्यान देने लगे, इन बातों पे कभी भी ध्यान मत दिया करो। और वैसे भी क्या इन्हें मेरी पावर देखनी है? तो चलो हम मैं दिखाता हूँ मेरी पावर। और तभी हम देखते हैं वो बस चीखता है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि ये एक अटैक रहता है। और तभी बोलता है लीडर तुरंत नीचे आओ। तभी हम देखते हैं एक सोने का टेक उसके वुड पे लगता है, और तभी वो बोलता है क्या। और तभी हम देखते हैं चुनजी ऊपर कूदता है अपनी सोर लेते हुए, और तभी देखते हैं हिंगलिंग बोलता है डैमेट, अब लगता है मैं मरने वाला हूँ। और जब उस समय जो कि हिंगलिंग पे अटैक हुआ था, उस समय जो कि जियाओ के अंदर से काफ़ी ज़्यादा ही भारी मात्रा में डर और फीलिंग मिट गई थी, बस वो एक ही चीज़ चाहता था कि हिंगलिंग को बचाना, और उसके पास और कुछ नहीं। और तभी हम देखते हैं वो एक स्लेज चलाता है और चुनजी उसे नोटिस कर लेता है और उसे ब्लॉक भी कर लेता है, और उसकी पावर इतनी ज़्यादा रहती है कि वो साइड जाके एक पर्वत पर लगती है, तो उधर एक बड़ा धमाका हो जाता है जिसे देख के चुनजी बोलता है ओ ये पावर काफ़ी ज़्यादा थी। हम देखते हैं चुनजी जो कि साइड में देखता है, और तभी वो देख के नोटिस करता है कि उसके ऊपर एक अटैक हो चुका रहता है जो कि जियाओ ने किया होता है। और तभी हम देखते हैं वो एक स्लेज चलाता है जिसे जो कि चुनजी डॉच कर लेता है, और तभी हम देखते हैं उनकी जो सोर्ड है आपस में टकरा रही होती है। और तभी हम देखते हैं वो जो कि जियाओ को पीछे फेंक देता है, और पीछे फेंकते ही जियाओ अपने आप को बैलेंस कर लेता है, और तभी वो देखता है तो उसके हाथ काँप रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं जियाओ अपनी सोर्ड लेकर खड़ा हो जाता है, बोलता है हो चुनजी सच में तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो, जब हमारी तलवार टकराई तो मैंने तुम्हारी पावर को फील किया, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो और मेरे को लगता है कि तुम मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। पर तुम क्या कर रहे हो कि तुम मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो? आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने इतने ज़्यादा स्ट्रांग को बोल सकते हो कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ? लेकिन नहीं, तुम अपने आप पे घमंड कर रहे हो, और मेरे जैसे बनो कि कोई भी अपनी ताकत पे घमंड नहीं करना चाहता, और इसीलिए तुम भी घमंड करना छोड़ दो अपनी ताकत पे। तभी ये देखते हुए जो कि एमसी रहता है वो बोलता है कि एक मिनट, हम पहले भी मिल चुके हैं ना चुनजी, उस समय मैंने तुम्हारी ताकत को फील किया था, और मैंने तुम्हारी ताकत को फील करते यही इम्पोर्टेंट चीज सोची थी कि तुम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि तुम मेरे एनिमी बन सकते हो, और ये सब सही हुआ तब तुम चुनजी निकले और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और तो चलो ये मेरे फेवर में है सब कुछ, तो देखते हैं कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। तुम चुनजी, तुम तो एक पत्ते से भी लोगों को काट सकते हो, है ना? तभी हम देखते हैं चुनजी हंसते हुए बोलता है कि ओ तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, और ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, और जब भी मैं अपनी पूरी सिटी में घूमा हूँ टैलेंटेड मार्शल आर्ट को ढूंढने के लिए, और जितने भी लोग रहते हैं वो तुरंत फाइट करने से पहले ही अपने घुटने पे टेक देते हैं और मेरे से तुरंत हार मार लेते हैं, लेकिन तुम उन सब से अलग हो। तो चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर कितने ज़्यादा टैलेंट है और कितने ज़्यादा देर तक तुम मेरे सामने टिकते हो। तो हम देखते हैं जियाओ भी अपना तलवार निकाल लेता है, और तभी अटैक करते हुए जो कि चुनजी रहता है बोलता है कि तो चलो तैयार हो जाओ, मेरे फर्स्ट अटैक करने वाला हूँ। और हम देखते हैं उन दोनों अटैक करना चालू कर देते हैं एक दूसरे की तरफ, जिसका फोर्स काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिसे देख के वो लीडर बोलता है कि आखिर में इतना ज़्यादा फोर्स। और तभी हम देखते हैं जो कि हिंगलिंग रहता है होश में आता है, बोलता है कि आखिर ये क्या चल रहा है और मेरा सर। और तभी ये देखते हुए सेकंड ब्रदर बोलता है कि ओ हिंगलिंग तुम जाग रहे हो, और तभी ये देखते हुए बोलता है कि आखिर चुनजी का क्या। तभी ये देखते हुए बोलता है उन दोनों बराबरी की फ़ाइट ले रहे हैं। और तभी हम देखते हैं चुनजी और जो कि जियाओ रहता है वो आपस में फ़ाइट कर रहे होते हैं, और वो एक दूसरे के पीछे हट जाते हैं, जिसे देख के बोलता है चुनजी ग्रेट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो चलो मेरे इस अटैक को डॉच करके दिखाओ। और तो हम देखते हैं एक स्लेज चलाता है जिसकी एनर्जी वेव आगे बढ़ जाती है, जिसे मेन करेक्टर देखता है और एक पोजीशन लेते हुए एक उस अटैक को डॉच कर लेता है। अब हम देखते हैं चुनजी जो कि फास्टली
जो कि एमसी के पीछे आ जाता है और तभी वो बोलता है कि वो तो तुम्हें अपना गार्ड से डाउन नहीं करना चाहिए और तुम्हें अपने नेक्स्ट स्टेप को तुरंत ही सोच लेना चाहिए। तभी ये देखते हुए एमसी बोलता है अच्छा तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। और तभी हम देखते हैं धमाका होता है जिससे चुनजी पीछे हट जाता है और वो हमने सोचता है सच में इसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा है और ये घमंड भी नहीं कर रहा और मैं इसे देख के बता सकता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि ये उसका ही पेंटेड यूनियन का लीडर जो कि हेवन को डिस्ट्रॉय कर सका है उस डेमन किंग का स्टूडेंट है। तभी देखते हुए चिंजी पूछता है आखिर तुम्हारे मास्टर कौन है। तभी ये देखते हुए जियाओ बोलता है क्या मेरे मास्टर। और तभी हम देखते हैं वो हवे अपना जो तलवार रहता है वो हवा में उठा लेता है जिसे देख के चुनजी जो कि थोड़ा सोच रहता है फिर हंसते हुए बोलता है कि ओ ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और तुम्हें पता है कि मैंने काफ़ी लोगों को ढूंढा अपने स्टूडेंट बनाने के लिए लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा फेलियर थे और मैं एक ऐसे स्टूडेंट को ढूंढ रहा था जो कि वुडस्टॉक के सारे जो कि टेक्निक है उसे सीख सके और अपना सके तुम उसके लिए अच्छे हो। और तभी ये देखते हुए एमसी बोलता है आखिर तुम क्या बोल रहे हो मैं कुछ नहीं समझ रहा लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं करने वाला और ये पागलपंती है। तभी ये देखते हुए बोलता है नहीं और तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि अब मैं अपनी ताकत को अलग ही रूप में लेके जाने वाला हूँ। तभी ये देखते हुए एमसी बोलता है सच में उसकी ताकत की जो रुख है वो एकदम पलटी गई जैसे कि उसकी एनर्जी चेंज हो गई हो। और हम देखते हैं वो वुड्स की सबसे खतरनाक टेक्निक का यूज करता है नाइन शॉट टेक्निक जिसे देखते हुए वो जो कि मर्चेंट यूनियन का लीडर रहता है वो बोलता है कि आखिर ये कैसे वो स्किल जो कि सिर्फ वुड्सटॉक के बड़े बड़े लोगों को ही सीखने को मिलता है और ये इसका अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहेगा सच में वो उसके लिए ये अटैक यूज कर रहे हैं अब तो दवाई आने वाली है। और तभी ये देखते हुए जिया बोलता है अच्छा तो तुम्हारे पास एक नए अटैक भी है तो चलो मुझे दिखाओ अभी हम एक दूसरे के ऊपर बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और चुनजी जो कि अपनी एनर्जी को फील रिलीज करता है जिसे देख के मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर एक मिनट आखिर ये क्या है और तुरंत ही साइड से निकल जाता है चुनजी। और तभी हम देखते हैं वो नीचे संभलते हुए बोलता है फक यू मैन। और तभी हम देखते हैं जैसे वो आगे देखते हैं वैसे ही वो चुनजी गायब हुआ रहता है और वो उसके पीछे आ जाता है। और तभी चुनजी बोलता है आखिर तुम कहाँ देख रहे हो। तभी हम देखते हैं जियाओ जो कि बोल रहा था मैं इससे नहीं बच सकता। तभी हम देखते हैं जियाओ जो कि बोल रहा था मैं इससे नहीं बच सकता। और तभी हम देखते हैं फर्स्ट सेकंड बेटा दोनों ही बोलते हैं जियाओ संभल के। और तभी हम देखते हैं वो एक स्लैश चला देता है लेकिन तभी हम देखते हैं जियाओ उससे भी डॉच करके पीछे हट जाता है लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है और वो बोलता है डैमिट इट। और तभी वो बोलता है गिव अप मत चलो अभी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी और अपनी एनर्जी वेव स्लैश चलाता है और उस एमसी उसको रोक लेता है। और तभी हम देखते हैं वो कि अपनी एनर्जी को थ्रो कर पा रहा होता है कई सारे भागते हुए आगे आ जाते हैं। और तभी जो कि मीनू रहती है बोलती है तभी हम देखते हैं उसका एक जाके ऊपर जो चक्र रहता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहता है और उसकी ताकत और धीरे धीरे बढ़ रही होती है और एमसी भी घबरा जाता है। और तभी हम देखते हैं वो अपनी सुपर सोनिक से वीम से एक अटैक करता है जिसकी ताकत इतनी ज़्यादा रहती है कि इसका असर बाकियों पे भी होने लगता है। एनर्जी वेव काफ़ी ज़्यादा रहती है और वो नीचे आते ही बोलता है सच में और ऐसा काफ़ी लंबे समय से नहीं हुआ कि मैं बिना रुके फाइट कर रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे को फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और तभी हम देखते हैं वो कुछ देख के सोख रहता है और कुछ एनर्जी जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक है और जिसे देख के बोलता है आखिर एक मिनट आखिर ये क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं ये एक ड्रैगन रहता है जिसको देख के वो बोलता है एक मिनट आखिर ये ड्रैगन और ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो कि जहाँ पे ऊपर रहता था और तभी हम देखते हैं वहाँ कुछ फंक्शन चल रहे होते हैं जहाँ पे उसके सोतली माँ और बाकी लोग बैठ के जो कि एक मैच देख रहे होते हैं और बातचीत चल रहे होते हैं। और तभी एक बंदा बोलता है कि आपका जो यू फैमिली के जितने भी लोग हैं इधर इकट्ठा होने के लिए थैंक यू। और तभी हम देखते हैं ये मुखे पर रहता है
वो क्या बोलता है कि जो मैंने गोंग विलेज से सीखा हुआ है उससे मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और जिसका एक टुकड़ी पीस मैं इधर दिखाने वाला हूँ, जिसे देख के उसकी सौतेली माँ खुलता है। वो अपने पिता की तरह इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन सिक्स स्टार भी काफ़ी ज़्यादा है। वो मार्शल आर्ट की दुनिया में कुछ तो उखाड़ सकता है। और तभी देखते अपने स्लोर लेके वो कुछ शॉट चला के दिखा रहा होता है, जिससे देख के बोलता है बाकी सब वो ये अच्छा है। और तभी हम देखते हैं वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और अपनी शॉट को लेके वो फील करते हुए बोलता है अमेजिंग, अब ये एक फील करने वाला ड्रैगन। और तभी हम देखते हैं वो आंखें बंद करता है और एक स्लेज चलाता है, और स्लेज से 3 एनर्जी वेव निकलती है, और जिसे देख के बाकी सब बोलते हैं एक मेडिये क्या है। और जब उन लोग देखते हैं तो एक जगह नहीं 3 जगह एनर्जी के थ्रू हुई थी, जिसके कारण उधर गड्ढे बन जाते हैं एनर्जी वेव के कारण। और जिसे देख के बोलते हैं अमेजिंग, आखिर ये कैसे एक साथ 3-3 बार, लाजवाब, आखिर ये कैसे कर सकता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और कैप की तारीफ करने लगते हैं उन सब। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो कि जियाओ की तरफ, और वो एनर्जी धीरे धीरे बाहर, यानी वो ड्रैगन बाहर आता है, और वो ड्रैगन जो कि पूरे एनर्जी से बना होता है, और यही होता है द 9 हेवन शॉट टेक्निक का फुल फॉर्म। और तभी के जो चुंजी काफ़ी टेंशन में रहता है, और तभी निकलता है हमारा एमसी जो कि बोलता है ओल्ड मैन तुम अपनी ताकत को छुपा रहे हो है ना, और तुम मुझे सीरियस नहीं ले रहे, अब ये नौटंकी बंद करो। तो चलो अभी यही मौका है कि हम दो अभी आपस में सीरियस फाइट करते हैं, और ये तुम अपनी जो फाइट है इसे कंटिन्यू रखो और अपनी पावर को और बढ़ाओ, मेरे को इतनी लो पावर से फाइट मत करो मेरे साथ।